हेलो गाइस, मैं हूं उस्मान अली। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेक फाइंडर। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। मेरी लेटेस्ट आने वाली जो वीडियो होगी आपको मिलती रहेगी। तो गाइस, आज आपको बताने लगा हूं मैं, मेरे हाथ में इस वक्त है वीवो V7 Plus। देख लें, इसके बारे में बताने लगा हूं। इसके मैं कुछ यानी कि जो फीचर है उनके बारे में बताने लगा हूं, कैमरा बताने लगा हूं, इसका फिंगरप्रिंट टेस्ट करके बताऊंगा वो कैसा है, यानी कि कैमरा चला के, बाकी जो भी इसकी मेन खसूसियात होंगी जो अच्छा होगा आपको बताऊंगा। तो गाइस, शुरू करते हैं वीवो V7 Plus। सबसे पहले डिस्प्ले ऑन कर लेते हैं। वेरी नाइस डिस्प्ले, वेरी नाइस बॉडी। तो गाइस, मैं साथ से इसके कुछ फीचर भी यानी कि बताता जाऊंगा इसमें क्या क्या फीचर दिए गए हैं वीवो V7 Plus। पहले मैं आप इसकी यानी कि नेटवर्क की बात कर लेता हूँ। गाइस, इसके अंदर 3G, 4G, 2G तीनों इनेबल दिए गए हैं। आप यानी कि इसमें 2G भी चला सकते हैं, 3G भी, 4G भी आप इसके अंदर चला सकते हैं वीवो V7 Plus के अंदर। गाइस, ये जब लॉन्च हुआ है, इसकी मैं डेट बता दूं, ये अनाउंस किया गया था 17 सितंबर 2017 को, और यानी अवेलेबल और रिलीज भी यानी कि 2017 सितंबर को ही हो गया था ये। तो गाइस, इसकी बॉडी की बात कर लेते हैं। बॉडी यानी कि इसकी जो यानी कि थिकनेस बिल्कुल यानी कि है वो 155.9 × 7.8 × 7.7 mm है, ठीक है गाइस। और इसके वेट की बात कर लेते हैं। जो इसका वेट दिया गया है वो गाइस, इसका वेट है 160 यानी कि जी वेट है इसका 160, ठीक है, इसका वेट है। सिम इसमें गाइस जो दी गई है, ड्यूल सिम, नैनो सिम, ड्यूल सिम स्टैंड बाय। गाइस, इसमें जो सिम दी गई है आप इसमें नहीं ड्यूल सिम डाल सकते। तो गाइस, मैं आपको सिम डाल के भी चेक कराऊंगा इसमें, यानी कि सिम ट्रेंड इसकी बाहर निकाल लेता हूं मैं, इसकी सिम कैसे है। तो इसके लिए हमें इसके बॉक्स जब ओपन करेंगे उसमें हम इसके लिए पिन दरकार होगी। तो गाइस, ये पिन डाल के इसकी सिम निकाल लेते हैं। तो गाइस, ये देखें, आप इसमें एट अ टाइम ड्यूल सिम डाल सकते हैं, नैनो सिम में डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, ठीक है गाइस, 256 GB तक ये मेमोरी कार्ड सपोर्ट करेगा। तो गाइस, मैं सिम इसमें वापस डाल लेता हूँ। तो मैं कुछ अगले नेक्स्ट फीचर की बात कर लेता हूँ। तो इसके अगले नेक्स्ट फीचर दिए गए हैं गाइस। तो अब आगे आते हैं गाइस इसके हम यानी कि डिस्प्ले के बारे में। तो ये डिस्प्ले कलर यानी कि ग्राफिक्स जो इसके हैं गाइस, डिस्प्ले यानी कि IPS इसकी LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन है 16 mm कलर के साथ, ठीक है गाइस। साइज इसका डिस्प्ले दिया गया है वो 5.99 यानी कि 5.5 इंच इसका यानी कि डिस्प्ले साइज दिया गया है गाइस। और गाइस, इसकी यानी कि बॉडी यानी कि स्क्रीन बॉडी रिटियो और रेजोल्यूशन इसकी 720 × 1440 है, यानी कि 1440 इसमें यानी कि रेजोल्यूशन दी गई है 1440। और इसकी PPI डेंसिटी है जो यानी कि 269 PPI डेंसिटी है इसकी। इसमें प्रोटेक्शन जो दी गई है गाइस वो गोरिल्ला ग्लास 4 दिया गया है, फन टच OS 3.2 गाइस इसमें दिया गया है। प्लेटफार्म की मैं बात कर लेता हूँ, इसमें जो OS दिया गया है, इसमें सेटिंग में जाते हैं गाइस। सेटिंग में जाने के बाद मैं चल जाता हूँ इसके मोर सेटिंग में जाने के बाद गाइस, यहाँ पर इसके सॉफ्टवेयर का नहीं है, बैक कर लेते हैं। सिस्टम अपडेट, मैं इसका अबाउट मैं देख रहा हूँ, अबाउट मुझे मिल नहीं रहा। बट गाइस, इसका मैं सॉफ्टवेयर आपको ऐसे ही बता देता हूँ, इसमें इनके जो सॉफ्टवेयर दिए गए। तो गाइस, ये अबाउट में आ गए हम। अबाउट में आने के बाद गाइस, इसका सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 7.12 यानी कि दिया गया इसमें, ठीक है गाइस। बाकी हम मज़ीद बात कर लेते हैं इसमें जो यानी कि प्रोसेसर 1.8 स्नैपड्रैगन का दिया गया है, 450 ऑक्टाकोर प्रोसेसर। रैम की गाइस 4 GB दी गई है, ठीक है गाइस। तो हम कुछ और ख़ास फीचर की इसकी बात कर लेते हैं अभी गाइस। अभी हम यानी कि इसके अब जो इसमें चिपसेट का मैंने बता दिया, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 4.0 है, CPU इसमें यानी कि ऑक्टाकोर 1.8 GHz कॉर्टेक्स A53 है इसमें, GPU इसमें यानी कि 506 दिया गया गाइस। आगे बात कर लेते हैं इसमें, अब मेमोरी की बात आ रही है। ये जो मेमोरी कार्ड ये सपोर्ट करता है, ये करता है 256 GB तक मेमोरी कार्ड इसमें डाल सकते हैं गाइस।
और इसमें 64 GB इसकी बिल्ट इन मेमरी है गाइस, 4 GB इसकी रैम है। तो गाइस अब कैमरे की तरफ आ जाते हैं। इसका बैक कैमरा जो है 16 MP दिया गया है 2.0 अपर्चर के साथ, फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, LED फ्लैश लाइट। तो गाइस बैक कैमरा ओपन कर लेते हैं। तो गाइस वेरी नाइस स्मूथ यानी कि कैमरा मैं यहाँ पर यानी कि पिक्चर लेता हूँ। तो गाइस ये देखें आप पिक्चर्स की दे सकते हैं, वेरी नाइस इसका यानी कि जो कैमरा है वो गाइस यानी कि 16 MP इसका कैमरा है। फीचर इसमें यानी कि कुछ आप यानी कि जियो टैगिंग, टच फोकस, फेस डिटेक्शन, HDR इसमें दिया गया। वीडियो ये 1080 की यानी कि वीडियो बनाता है गाइस, मैं आपको वीडियो थोड़ी सी बना के दिखाता हूँ 1080p की यानी कि वीडियो बनाता है ये। तो गाइस मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो गाइस वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको दिखाता हूँ 1080 की ये वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं वीडियो भी इसकी यानी बहुत अच्छी है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है। तो गाइस अब मैं इसके फ्रंट कैमरे की बात कर लेता हूँ। 24 यानी कि इसका मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है 2.0 अपर्चर के साथ। अब मैं इसका फ्रंट कैमरा गाइस ऑन करने जा रहा हूँ। ये देखिए फ्रंट कैमरा, फ़ोटो ले लेता हूँ। फ्रंट कैमरे से वीडियो बन गया, फ्रंट कैमरा वेरी नाइस। ये देखें गाइस, ठीक है गाइस। अब मैं इसके यानी कि कुछ और ख़ास फीचर की बात कर लेता हूँ। इसमें यानी कि 3.5 mm इसमें यानी कि जैक है, वाइब्रेशन है, MP3 है, वेव रिंगटोन है गाइस, इसमें वाईफाई दी गई है, ब्लूटूथ है, GPRS है, रेडियो FM इसमें है, रिकॉर्डिंग के साथ USB ये सपोर्ट करता है 2.0 USB ऑन दी गो। और गाइस में सेंसर जो दिया गया फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया गाइस, फिंगरप्रिंट सेंसर रियर माउंटेड। और मैं फिंगरप्रिंट सेंसर आपको चेक कराता हूँ उसका, बट गाइस फिंगरप्रिंट सेंसर वेरी नाइस इसका यानी 360 फिंगरप्रिंट सेंसर है। टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं फिंगर सेंसर का बाद में रिव्यू दे दूँगा आपको और हम कुछ बता रहा हूँ। तो गाइस की मैं बैटरी बताता हूँ, नॉन रिमूवेबल बैटरी है इसकी, 3225 इसकी MAH बैटरी है, लियोन की यानी कि 3225 MAH बैटरी है। तो गाइस कलर इसमें शैम्पेन गोल्ड, एक मेरे पास गोल्ड है शैम्पेन गोल्ड, और इसमें मैट ब्लैक कलर आ रहा है। इसका रेट जो गाइस है अबाउट यानी कि 300 यूरो आवर वर्ल्ड में जो रेट इसका चल रहा है, बाकी इसमें कंट्री के लिहाज से जो रेट होते हैं वो डिवाइड कर ली जाती है 300 यूरो। वेरी नाइस फ़ोन, स्लिम, ये चारों तरफ इसके बॉर्डर दिए गए हैं, कैमरा LED, फ्रंट पे इसका कैमरा, सेंसर, चार्जिंग पिन, 3.mm जैक, रिंगर साउंड के लिए, यहाँ से आप सिम डाल सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप नए सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो गाइस थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।